मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑनलाइन क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू कंप्यूटर साइंस ऑफ क्लास सेवन स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर एट स्टडी करते हैं चैप्टर एट है कंप्यूटर वायरस so सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कंप्यूटर वायरस क्या होता है इसके बारे में इस चैप्टर में पूरा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट्स स्टार्ट ए कंप्यूटर वायरस इज़ ए प्रोग्राम डिजाइन टू हार्म और कॉज ए कंप्यूटर एक कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो डिजाइन किया गया है किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए ओके यानी किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए उसको हानि पहुंचाने के लिए एक प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है it स्पीड्स थ्रू ई मेल अटैचमेंट्स पोर्टेबल डिवाइस वेबसाइट्स कंटेनिंग मेलेसियस इस्क्रिप्ट एंड फाइल डाउनलोड्स या ईमेल अटैचमेंट के थ्रू भी फैल सकता है पोर्टेबल डिवाइस के द्वारा फैलता है किसी वेबसाइट के द्वारा भी फैल जाता है अगर कोई हम लोग फाइल डाउनलोड करते हैं जो अन फाइल होता है ई के थ्रू तो उसके द्वारा भी हमारे कंप्यूटर में फैल जाता है वायरस ओके okay. ए कंप्यूटर वायरस अटैच इट्ल्फ टू द होस्ट फाइल्स एंड ऑलवेज एक्टिवेटेड वेन एवर वी ओपन द इन्फेक्ट फाइल्स जब हमारे कंप्यूटर में अगर वायरस फाइल अटैच हो जाता है स्प्रेड हो जाता है तो वो जब भी हम लोग कोई होस्टेड फाइल्स को कोई भी इन्फेक्टेड फाइल्स को जब हम लोग ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद वह एक्टिवेट हो जाता है वो ठीक है वो हमेशा के लिए एक्टिवेट रहता है धीरे धीरे वो जितने भी फाइल्स होता है सारे में स्प्रेड हो जाता है और सारे फाइल्स को करप्ट कर देता है द वायरस कैन रेप्लीकेट इट सेल्फ एंड देन इन्फेक्ट द अदर फाइल्स ऑन आवर कंप्यूटर कॉजिंग मोर डैमेज और धीरे धीरे पूरे हमारे सिस्टम में फैल जाता है पूरे सिस्टम के जितने भी ड्राइव होता है जितने भी फाइल्स होता है सब में वायरस जो है क्या हो जाता है स्प्रेड हो जाता है और फिर हमारे सिस्टम को अधिक डैमेज कर देता है और हमारा जितना भी फाइल्स होता है वो सारा करप्ट हो जाता है ओके okay. तो देयर आर मोस्ट सम वायरस विच आर नॉट कम्प्लीटली हार्मफुल लेकिन कुछ ऐसे भी वायरस होता है वो पूरी तरह से हानिकारक नहीं होता है ओके दे जस्ट डिस्प्ले सिंपल मैसेज यानी कुछ ऐसे कुछ दे जस्ट डिस्प्ले ए सिंपल मैसेज वे क्या करता है एक सिंपल मैसेज को तुरंत डिस्प्ले करता है बट देयर आर सम डेडली वायरस विच कॉज अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर और कुछ ऐसा वायरस होता है कि वो उसको आप उसको वहाँ से निकाल सकते हैं उसको डेट कर सकते हैं और टू ग्रेट डिस्ट्रेक्शन टू दू कुछ ऐसा वायरस होता है जो कंप्यूटर को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है दे डिस्ट्राए ऑल द डेटा एंड इवेन कंप्लीटली डैमेज द हार्ड डिस्क और ये क्या कर देगा धीरे धीरे आपके सारे डाटा को डिस्ट्रॉय कर देगा बर्बाद कर देगा यहाँ तक कि आपके हार्ड डिस्क को भी पूरी तरह से डैमेज कर देता है अगर कंप्यूटर में वायरस स्प्रेड हो गया फैल गया ठीक है तो वो क्या करेगा आपका पूरे डाटा कंप्यूटर में जितने भी डाटा है वो सारे डाटा को डिस्ट्रॉय कर देगा करप्ट कर देगा और हार्ड डिस्क को भी डैमेज कर देगा फिर आपका कोई सिस्टम जो है हैंग करने लगेगा ओके कोई फाइल को ओपन कीजिएगा तो वो हैंग करते रहेगा आपका फाइल ओपन नहीं होगा तो वाई डू वी नेक्स्ट टॉपिक वाई डू डिफरेंट वायरसेस और डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हार्म टू दियर हॉस्ट अलग अलग वायरस को अपने हॉस्ट वायरस को अलग अलग अमाउंट में क्यों नुकसान क्यों पहुंचाते पहुं हैं इसके ठीक है इसके बारे में डिस्कस करते हैं वायरलेंस और हार्मफुल अ वायरस इन ऑन इट्स हॉस्ट इट डिपेंडेंट ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स देखियो जो हानिकारक जो हार्मफुल वायरस होता है वो इसके होस्ट में इंफ्लूक्ट होता है ठीक है इसके होस्ट पर एक वायरस का संक्रमण हानिकारक होता है इट डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स या कई कारकों पर कर निर्भर करता है द वे इन विच द वायरस इज़ ट्रांसमिटेड हैज़ अ लार्ज इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ़ वायरलेंस दैट विल इवोल्व जिस तरह से वायरस का संक्रमण होता है या वायरस के लेवल पर एक बड़ा प्रभाव डालता है ओके okay. वायरस दैट स्प्रेड मोस्टली बाय वर्टिकल ट्रांसमिशन विल यूजुअली इवॉल्व लोअर लेवल्स टू तो वायरलेंस दैन दो विच आर ट्रांसमिटेड हरीजेंटली यह वायरस के लेवल पर बड़ा प्रभाव डालता है जो वायरस का विकास करेगा ज़्यादातर वर्टिकल संचरण द्वारा होता है आमतौर पर उन लोगों के मुकाबले कम स्तर का होता है जो हॉरिजेंटल रूप से प्रसारित होते हैं ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक सिम्टम्स ऑफ ए कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर वायरस का विलक्षण कंप्यूटर वायरस जब किसी कंप्यूटर में वायरस अटैक कर जाता है तो किस तरह का वो रिएक्शन होता है हमारा सिस्टम कि, किस तरह का बदलाव उसमें आता है उसके लक्षण को समझेंगे उसके बदलाव को समझेंगे तो फॉलोइंग आर गिवेन सम सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर वायरस के कुछ सिम्टम्स जो फॉलोइंग दिया गया है इसमें सब इसका फर्स्टम सिम्टम्स है आवर कंप्यूटर बी स्ट्रेंजली दैट इज़ इन ए वे दैट वी हैव हैवेंड सीन बिफोर हमारा कंप्यूटर अजीब तरह से व्यवहार करता है जिसे इसे हमने पहले कभी नहीं देखा है ओके वी सी अनएक्सपेक्टेड मैसेज और इमेज हम लोग को अनएक्सपेक्टेड मैसेज और इमेज दिखेगा ओके okay. जिसे कभी हम लोग देखे नहीं हैं इस तरह का कोई अनवांटेड मैसेज आए कोई अनवांटेड इमेज दिखेगा कुछ अजीब तरह का वी अनएक्सपेक्टेड साउंड प्लेड एट रेंडम हम लोग को अचानक अनएक्सपेक्टेड साउंड की सुनाई देगा प्ले होते हुए ठीक है हम प्रत्याशी संदेश अच्छी चित्र देखते हैं हम सुनते हैं प्रोग्राम स्टार्ट अनएक्सपेक्टेडली और अचानक से वो प्रोग्राम जो है वो शुरू होने लगेगा जबकि हमको उस प्रोग्राम को ओपन भी नहीं किए हैं और ऑटोमेटिक दूसरा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जो वो प्रोग्राम का कोई माने मतलब नहीं रहेगा कोई मीनिंग नहीं रहेगा स्टार्ट होने का ओके uh, आवर कंप्यूटर फ्रीज फ्रीक्वेंटली और प्रोग्राम्स स्टार्ट रनिंग स्लोली यानी कार्यक्रम को खेले जाने वाले अप्रत्याशित आवाज़ें अप्रत्याशित रूप में शुरू होती है हमारे कंप्यूटर अक्सर फ्रीज हो जाते हैं या प्रोग्राम धीरे धीरे चलने लगता है द ऑपरेटिंग सिस्टम विल नोट लोड वेन वी स्टार्ट आवर कंप्यूटर जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता है हैंग करते रहता है वी नोटिस दैट फाइल्स और फोल्डर हैव बीन डिलीटेड और चेंज और यह हम लोग को जानकारी मिलता है से कि फाइल्स और फोल्डर जो है अब जो है उसको डिलीट होना चाहिए कर देना चाहिए हो, हो चुका है या फिर चेंज हो चुका है ठीक है यह नोटिस होता है तो ये सारा सिम्टम्स है कंप्यूटर वायरस का ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ वायरस वायरस के टाइप्स इसका फर्स्ट टाइप्स है टॉजन हॉर्स टॉजन हॉर्स वायरस क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं टॉजन कैन इलीगली ट्रेस इम्पोर्टेंट लॉग इन डिटेल्स ऑफ यूजर्स ऑनलाइन ओके टॉजन अवैध रूप से उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स के इम्पोर्टेंट लॉग इन विवरणों को ऑनलाइन ट्रेस कर सकता है फॉर एग्जाम्पल ई बैंकिंग इज़ वेरी कॉमन एमंग यूजर्स देयर फॉर वलर एबिलिटी ऑफ ट्रेसिंग आवर लॉग इन डिटेल्स वेन एवर आवर पी सी इज़ वर्किंग विदाउट एनी स्ट्रॉग पावरफुल एंटी वायरस इंस्टॉल्ड उदाहरण के लिए ई बैंकिंग यूजर्स के बीच बहुत आम है इसलिए जब भी हमारा पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर किसी भी शक्तिशाली एंटीवायरस के बिना काम कर रहा है तो हमारे लॉगिन विवरणों को पता लगाने पता लगाने में ये काम आता है इसलिए हम लोग को पता काम आता है इसलिए हम लोग को चाहिए कि उस सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया जाएगा अगर उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है तो कोई भी वायरस अटैक करेगा तो उस वो डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके वो पता लगा देता है कि इसमें वायरस है ओके नाउ नेक्स्ट टाइप से वायरस का माइक्रो वायरस माइक्रो वायरस क्या होता है तो दिज वायरस इन्फेक्ट द फाइल्स क्रिएटिंग यूजिंग सम एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स दैट कंटेन माइक्रोस इस तरह के जो वायरस होता है वो इन्फे, इन्फे, इन्फेक्ट द फाइल्स यानी जो फाइल उसमें जो बना हुआ है ऑलरेडी पहले से उसको क्या कर देता है इन्फेक्ट कर देता है यानी हार्मफुल पहुंचा करप्ट कर देता है यूजिंग सम सम्लीकेशंस और प्रोग्राम कुछ अपलिकेशन कुछ प्रोग्राम का इस्तेमाल करके दैट कंटेंट माइक्रोस जो माइक्रोस में कंटेन रहता है माइक्रो वायरस में सच है जैसे डॉक हो गया यानी वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है या फिर पीपीएस यानी पावर पॉइंट का कोई डॉक्यूमेंट्स है एक्सएलएस यानी एक्सेल का कोई डॉक्यूमेंट्स है एंड ठीक है एन यानी नोट पैड का कोई डॉक्यूमेंट्स है तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी हमारा एम एस ऑफिस का जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसमें क्रिएट रहता है सबको इन्फेक्टेड कर देता है कौन माइक्रोवाइरस दे ऑटोमेटिकली इन्फेक्ट द फाइल्स विथ माइक्रोज एंड ऑल्सो टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट दैट आर कंटेंट इन द फाइल और ये ऑटोमेटिक सारे फाइल्स को माइक्रो के साथ वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है और टेम्पलेट के साथ इन्फेक्ट कर देता है ठीक है जो भी फाइल के में अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी फाइल कंटेंट होता है वो सारे फाइल्स के डेटा को करप्ट कर देता है दे हाइड इन डोक्यूमेंट शेयर थ्रू ई मेल एंड नेटवर्क ये डॉक्यूमेंट क्या होता है डॉक्यूमेंट में छुपा हुआ होता है जब हम लोग कोई ई कोई नेटवर्क के द्वारा जब हम लोग कोई ई को, को शेयर करते हैं तो वो माइक्रो जो वायरस है वो चला जाता है किसी अदर सिस्टम में और फिर वहाँ जा के उस जो इम्पोर्टेंट जो डेटा होता है जो फाइल्स होता है डॉक्यूमेंट्स उसमें फैल जाता है फिर उसको इन्फेक्टेड कर देता है ओके